ओम शांति। सारा दिन कोई ना कोई कर्म नामे आते हैं। अब ब्राह्मणों को कर्म नामे कैसे आना है वो बाबा ने बताया हुआ है। फिर शाम को सोने से पूर्व अपने उस कर्मना को समेट कर, जैसे कभी आपने देखा होगा सवेरे सवेरे बड़े शहरों में तो नहीं लेकिन खाली स्थानों पर सुबह सुबह पंछी कैसे जाते हैं, झुंड बना के बड़ी लाइनें बना के जा रहे होते हैं अपने घर से बाहर की तरफ। बड़े सुंदर लगते हैं वो, आपस में रेस करते हुए जाते हैं, लेकिन उनके पास घड़ी भी नहीं होती। अब ब्राह्मण लोग तो घड़ी भी बांधते हैं। हाँ, शाम को जब उनका टाइम पूरा हो जाता है नेचुरली, क्योंकि तो नेचर से चलते हैं, तो आप देखेंगे वो वापस भी उसी प्रकार लाइनों में लगकर आते हैं, लेकिन वो पेड़ में जिसमें बैठते तो ची 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 ज्यादा करते हैं, सुबह नहीं इतनी करते, थोड़ी देर में ठंडे हो जाते हैं, सो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें भी बहुत आवश्यक है कि सारे दिन का कार्य का तो कोई अंत ही नहीं है, फिर शुरू हो जाएगा। कर्म योगी हम हैं, कर्म के बगैर तो कोई रह नहीं सकता, लेकिन उसके लिए फिर से अपने आप को, कई ब्राह्मण तो वैसे ही दो बार स्नान करते हैं, तो ये भी स्नान जरूरी है कि सारे दिन में जो कुछ थोड़ा बहुत है माया का हल्का मासा धूल लगा वो साफ हो जाए। इसके लिए रात्रि क्लास भी इतना ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा बाबा जी के टाइम में, मम्मा के टाइम में भी रात्रि क्लास होता था, लेकिन रात्रि क्लास बड़ा रमणीक होता है। वो इस प्रकार का ऑफिशियल जिसमें बाबा की मुरली चलती है वो नहीं होता है। हम आपस में बैठकर अपनी बातों को रिवाइज करते हैं। और मधुबन तो अच्छी जगह है, यहाँ रोज कभी कोई कभी कोई है, अलग अलग जैसे रिकॉर्ड भी आप बदल बदल के लगाते हैं। बात तो ज्ञान की होती है, अगर एक ही रिकॉर्ड रोज लगाने लग जाएं, इतना भी अच्छा हो क्या होगा। ऐसे एक ही हलवा रोज हलवा भी खिलाओ तो भी व्यक्ति थक जाता है। तो बदल बदल के वैरायटी से आपको क्लास मिलता रहता है, हर एक का अनुभव। बाबा कहते हैं अनुभव तो एक भी ब्राह्मण का कई शास्त्र भर जाए तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने को मिलता रहता। तो आजकल जो है कौन सा विषय चल रहा है, सबके अंदर कौन सी लहर चल रही। हमारा इस वर्ष का लक्ष्य बाबा ने क्या दिया, संस्कार परिवर्तन, उसके आगे क्या है, द्वारा संसार परिवर्तन। उसमें क्या था कि आपको अपना मुक्ति पाना है, 75% अपनी जड़ों को ढीला करना, यही संस्कार परिवर्तन है। तो ये देखना है कि जितनी रस्सियां, सूक्ष्म रस्सियां, गोल्डन रस्सियां, कई प्रकार की रस्सियां ने, अदृश्य रस्सियों ने हमें पकड़ा हुआ था, उसमें से 75% रस्सियां ढीली हुई है ना, ये हमारा टेस्ट था संस्कार परिवर्तन। कोई बात नहीं, अभी दो दिन तो बाकी हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो एक सेकंड का है, और एक सेकंड में अगर जनक जीवन मुक्ति पा सकता है तो क्या हम दो दिन बचे हुए में 75% संस्कारों से मुक्ति नहीं पा सकते, जरूर पा सकते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं, अच्छी बात है। अब प्रश्न ये है कि संस्कार परिवर्तन द्वारा संसार परिवर्तन है या संसार परिवर्तन द्वारा संस्कार परिवर्तन है, सोचना हमको है, ठीक है ना? कि हम तो ब्रह्मा के बच्चे हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा ने संस्कार परिवर्तन द्वारा संसार परिवर्तन किया, नहीं तो हम यहाँ कैसे बैठे होते, इतने ब्राह्मण, इतने सेंटर कैसे बढ़ जाते, इतना हमारा परिवार कैसे बढ़ता। तो संसार परिवर्तन किया या वेट किया कि संसार परिवर्तन होगा, लोगों के मन आप ही बदलेंगे, प्राण वृत्ति आएगी, तब उनका संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। तो कौन सी चीज पहले है, कौन सी चीज बाद में है, घोड़ा पहले है गाड़ी बाद में है, या गाड़ी पहले है घोड़ा बाद में, कौन सा होना चाहिए भाई? हैं, दोनों साथ, वाह, फिर भी आगे पीछे क्या है, है तो बात ठीक, घोड़ा अलग बंधा हुआ हो गाड़ी अलग हो वो गड़बड़ हो जाएगी।
तो लेकिन दोनों इकट्ठे भी हैं तो आगे पीछे क्या है, आगे क्या होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कार परिवर्तन ही घोड़ा है। अच्छा, तो ब्राह्मण गलती कैसे खाते हैं, कहते दोनों इकट्ठे ही है ना। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि संसार बदले, संसार तो लंबी चौड़ी चीज है, ये बदले दूसरा, जिसके साथ उनका रहन सहन लेन देन होता है, सेवाधारी साथी होते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ ऊपर कुछ नीचे होते तो है ना थोड़े बहुत, तो वो जो होते हैं वो बदल जाए। हम क्या करते हैं, मुझे क्रोध नहीं आता, इसने मुझे क्रोध दिलाया है ना, अच्छा इसने मुझे अशांत कर दिया, मेरे को तो दिक्कत कर दिया, सोने ही नहीं देते मुझे, उठने ही नहीं देते, जो भी काम है हम कहते हैं इसको बदलो तो हम बदल जाएंगे। तो क्या हुआ, गाड़ी गाड़ी पहले आई या घोड़ा पहले आया, गाड़ी पहले आ गई। अच्छा, फिर और अपने आप को पक्का करने के लिए अभी पूरा बदला कौन है, इसलिए और भी आराम से सो जाओ, अभी तो कोई बदला नहीं, क्योंकि देखना ही जिसने है कि कोई नहीं बदला, उनको नहीं देखना जो बदल गए, उनको देखना जो नहीं बदले तो क्या होगा। तो सोच रहे हैं दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ठीक है, उल्टा हो गया काम, उल्टी गंगा। अच्छा, फिर प्रश्न ये है कि जिसको बनना है उसको बदलना है, ठीक है, आप चाहेंगे कि जिसका आप नाम ले रहे हैं ये बदल जाए, वो तो बदल के लक्ष्मी नारायण बन जाए, गद्दी पर बैठ जाए, और हम कहें कि इसको बदलना था वो तो बदल गया, चाहे उसको दादी जी ने बदला या उसको उसने मेहनत करके, आपका क्या हाल हुआ है, बदलना तो मुझे था ना। तो जिसको बनना है उसको बदलना है, तो हमारा काम दूसरे को बनाना है या अपने को बनाना है, तो ये सोचना चाहिए कि जिसको बनना है उसको बदलना है, तो मुझे बनना है या नहीं। जब अधिकार लेना होगा, जब पद पाना होगा, तो हम कहेंगे दूसरे को दे दो सारा, अटोली भी जब बढ़ती है तो देखते रहते हैं मेरे लिए बचेगी या नहीं बचेगी, है ना, पहले पहले ले लूं, मोटा पीस ले लूं, है ना। अभी ये तो टोली है, यहाँ पर तो बड़ी बादशाही है, 21 जन्म का बाजी है, तो उसमें आप चाहेंगे कि दूसरा बदल के वो बन जाए और मैं बदलू ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इस वास्ते अगर हमने संस्कार परिवर्तन करना है, परिवर्तन मैंने बदलना, तो हमें ये देखना है बनना किसको है, ठीक है, ये प्रश्न सीधा है, मुझे बनना है, तो जिसको बनना है उसको ही बदलना है, ठीक है। इस वास्ते कभी भी हम ये कहें दूसरा तो नहीं, मैं को वैसे मारना है, लेकिन मैं को चेंज करना है, मारना भी किस लिए, ऐसे थोड़ी जान से ही मैं चली जाए, लेकिन मैं को मारने का मतलब ये मैं को बदलना, पुरानी वाली मैं को खत्म करके नई को लाना। तो हमारा एक स्लोगन है, बहुत इजी स्लोगन है, क्या है, पतन की जड़ क्या है, उन्नति की सीढ़ी क्या है, है स्लोगन, वो क्या स्लोगन है, पर चिंतन पतन की जड़। अगर भाई हमें तो सारे विश्व का कल्याण करना है, सारी दुनिया को बदलना है, पर चिंतन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। सारा दिन हम दूसरे की तो चिंता करते रहते हैं, हे बाबा कलयुग का विनाश हो, दुनिया आ जाए, सब जो मुझे तंग करने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, हाय मेरा शरीर है, ये सारे ठीक हो जाए, मेरा पति, मेरे, तो हम तो परचिंतन में ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा, क्या कहा, परचिंतन पतन की जड़ है या परचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि संसार परिवर्तन, अब संसार कौन सा, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, तो मेरे संस्कार इतने बदल जाए जो सारी दुनिया ही बदल जाए तो खुशी हो जाए, लेकिन मेरे संस्कार बदलते हैं, दुनिया तो बदलती ही नहीं। तो मैं कहता हूँ भाई संस्कार तो कुछ तो बदले, 20% 40%, संसार तो बदला ही नहीं, वो तो और ही ज्यादा खराब हो गया, तो मेरे परिवर्तन से संसार नहीं बदला, तो उत्साह रहेगा या उत्साह घटेगा। तो इसलिए ये जानना जरूरी है संसार से क्या मतलब है, यहाँ कौन सा संसार परिवर्तन, चाइना बदल जाए मेरे परिवर्तन से, जापान बदल जाए, रशिया बदल जाए, तमिलनाडु बदल जाए, क्या बदल जाए। इस वास्ते संसार परिवर्तन का अर्थ है
जिसने बदलना उसी को मिलना है। तो मेरे संस्कार परिवर्तन से मेरा संसार परिवर्तन होगा, समझ गए आप। इस फिक्र में नहीं रहना कि दुनिया बदल, मैं देखता रहूं कि मेरे संस्कार तो बदले, दुनिया तो बदली नहीं। नहीं, मेरे लिए संसार बदल जाएगा। इसलिए ये शब्द आप देख लीजिए कि मैंने बदलना है, मुझे ही मिलना है। तो मेरा संसार संस्कार के साथ लिंक है। आज की समय में, इस घड़ी में भी हमारे को कैसा संसार मिला हुआ है। दूसरी बात यह है कि संस्कार परिवर्तन का अर्थ क्या है। क्या हमने बाहर से कोई संस्कार लाने हैं जो कि हमारे अंदर नहीं है, है जो कोई व्यक्ति जैसे धन कमाता है तो अपनी जेब में धन नहीं होता, बाहर से लेके आता। क्या हमने संस्कार बाहर से लाने हैं जो कि हमारे अंदर नहीं है, या जो बाहर से संस्कार आए हुए हैं उसको खाली बाहर भेज, इसने हमारे असली संस्कारों को छुपा दिया है, दबा दिया है, पीछे कर दिया है, उसको हमने बाहर भेज देना है, बाहर की पराई चीज को बाहर भेज देना है। आपके घर में आपका पड़ोसी आके आपके आम के पेड़ के आम तोड़ना शुरू करे, आपको कैसा लगेगा, है? आपके मन में कोई, आप खुशी के भंडार हैं, आपके मन में कोई आके आपकी खुशी को लूटना शुरू कर दे, उसकी जगह दुख भरना शुरू कर दे, या आपके अंदर फूल हैं, उसमें आके कांटे चुभोना शुरू कर दे, आपको कैसा लगेगा। तो ये जब हम संस्कार परिवर्तन कहते हैं तो बहुत मुश्किल चीज समझते, अरे भाई संस्कार, आयरन एज के लोहे के संस्कार, उसको पहले तांबा बनाओ, मांझ मांझ के साफ करो, फिर उसको चांदी बनाओ, बहुत टाइम लगेगा, फिर उसको गोल्ड बनाओ, बाबा तो कहता है डायमंड संस्कार बनाओ, ये तो भाई दो दिन में तो होने वाला नहीं है, इतने साल हो गए। तो इसलिए ये विधि ठीक नहीं है। हमको खाली जो बाहर से घुस गया है हमारे घर में उसको निकालना है, बस। अंदर तो हमारा ठीक ही है। अगर सूर्य को आप देखें, सूर्य जब निकलता है चारों तरफ रोशनी कर देता है, लेकिन एक छोटी सी काली बदली अगर सूर्य के ऊपर आ जाए तो क्या होता है, सब जगह ऐसे लगता है अंधेरा छा गया, सूर्य है ही नहीं, सूर्य नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि बदली ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अगर बदली को हटा दे तो क्या होगा, फिर रोशनी हो जाएगी। इसी प्रकार से हमको ये नोट करना चाहिए कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो कौन से घराने की, कौन से युग की आत्माएं हैं, बताओ। कोई ये भी नहीं कहना पसंद करेगा हम त्रेता युग की आत्माएं हैं, कोई कहेगा? यहाँ तक भी हम पसंद नहीं करते, अरे त्रेता युग इतना अच्छा, राम जी की आज तक पूजा हो रही है, जब सड़क पे जाओ तो लोग राम राम ही कहते हैं, आपको भी आप ना बोलो तो आपकी तरफ देखते हैं इसने जवाब क्यों नहीं दिया, और राम के मंदिर के लिए कितना झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसी युग में भी हम कहते हैं ना हम त्रेता वाले नहीं, तो फिर कौन से हैं भाई? अगर त्रेता भी पसंद नहीं करते तो क्या हम कलयुग के हैं, द्वापर के हैं, कहाँ के हैं? उससे ऊपर वाले हैं ना। तो जब हमारा है ही, हमारा कुल, हमारा डिग्री हमारी ये है सूर्यवंशी है, तो अब आप बताओ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तो उसके बाद में आता है, सूर्य से चंद्रमा रोशनी लेता है, अपनी तो उसकी होती नहीं, वो तो जूठा खाना है, ये अपना जूस यूज किया हुआ युग दूसरे को दे दिया, चलो अब तुम भी इसको यूज कर लो। लेकिन जो सूर्यवंशी वाले हैं उसके अंदर कौन कौन घुसा, किसी ने ये तो सुना होगा सोने में चांदी की खाद मिला दो, ठीक है, किसी ने ये तो नहीं सुना कि चांदी में सोने की खाद मिला दो, सुना है कभी? वो तो महंगी होती है और भी ज्यादा, या तांबे में सोने की खाद मिला दो। तो खाद क्या है? खाद नीचे वाली चीज है या ऊपर वाली चीज है? दूध में पानी मिलाया जाता है या पानी में दूध मिलाया जाता है, आप सोचो। आजकल तो पानी में ही दूध मिलाते हैं, वो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हम ये देखें कि कौन सी चीज हमारे अंदर आ गई है जो हमारे प्रॉपर्टी को जब्त कर रही है, इसी की प्रॉपर्टी कोई ले ले कोर्ट में भी चले जाते, उसको भगाते हैं बाहर, दूसरे भी कहते हैं ये तो इसकी प्रॉपर्टी, तुम इसके अंदर क्यों आ गए? तो कौन सी चीज आ गई है
वो बाबा ने बताया हुआ है। ये क्रोध हमारी प्रॉपर्टी है, हैं? नहीं है ना। अच्छा, लोभ हमारी प्रॉपर्टी है, ये तो बीमारियां हैं, हैं? ज्यादा लोभ करते जाओ इसी में शरीर छूट जाता है। अच्छा, मोह हमारी प्रॉपर्टी है, नहीं। ये जितनी चीजें हैं ये सब विनाशी है। बाबा ने हमको इन सब चीजों से परे हटने के लिए क्या बताया, ये सब चीजें विनाशी है। अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में आया था कि साइंस वाले नकली हार्ट बनाते हैं ना, और नकली हार्ट बना के लगा देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, और सचमुच वो हार्ट चलना भी लग जाता है। लेकिन बाबा ने ये कहा, जब शरीर छूट जाएगा तो नकली हार्ट कायम रहेगा, वो भी साथ ही जाएगा। इस वास्ते उसकी आयु कितनी हुई नकली हार्ट की, आपकी आयु की जितनी हुई जिसने लगवाया, तो जब उसकी आयु ही अल्पकालिक है और अकाल मृत्यु के बंधन में है, तो उसका नकली हार्ट भी कहाँ तक चलेगा। इसी प्रकार से आपने लोभ किया, अच्छा धन इकट्ठा किया, दूसरे का भी ले लिया, इसका भी ले लिया, कई ब्राह्मण साबुन की टिक्कियां इकट्ठी करते रहते हैं, और भी कई चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, कहीं समोसे मिले तो भी दो ले आते हैं, खरबूजे मिले तो भी दो ले आते हैं, तरबूज तो मोटा होता है, पता नहीं दो लाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन ये लोभ ही है ना, ये छोटा लोभ है, वो जरा बड़ा लोभ है। तो लोभ विनाशी चीज का करने का मतलब क्या हुआ, पहली बात हमने भोजन को या वस्तु को ब्रह्मा भोजन समझ के, भगवान की देन समझ के, शरीर चलाने के लिए समझ के ना करके लोभ किया है। उसके लिए कुछ तेजी तुजी भी की होगी, किसी से छुपाने की कोशिश की होगी, किसी से जल्दी से ले लूं, कुछ ना कुछ अपनी स्पीड को कम ज्यादा किया होगा। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है, या कोई बहुत दौड़ता है सांस फूल जाता है। अच्छा, तो ये लोभ से क्या हुआ, है तो छोटी चीज लेकिन असर तो उतना ही हो गया, आपकी सांस भी तेज चलने लग गई, और भी कई संस्कार आ गए, और कल खाएंगे, और सब चीज का नुकसान करके एक छोटी चीज के लिए। इसी प्रकार से इस दुनिया की जितनी चीजें हैं उसमें आपकी नजर नहीं डूबनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें विनाशी हैं। और जो जितना समय आप विनाशी के पीछे लगाएंगे, लगाइए, बड़े शौक से लगाइए, किसी का दिल करता है, उतना आपका विनाशी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बाबा ने कहा, एक बिंदी लगाओ 1 से 10, दूसरी बिंदी लगाओ 10 से 100, तीसरी बिंदी लगाओ 1000। हमारी तो प्रॉपर्टी इस तरह बढ़ती है बैठे बैठे, और हम बैठ के भाग दौड़ करें, जैसे मजदूर पत्थर तोड़ता रहता है, इतनी मेहनत करता है तो मजदूर ही लेबर कर रहा है, क्योंकि उसका रास्ता नहीं पता कमाई का ठीक रास्ता क्या है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों को ये सोचना चाहिए कि हम तो हैं ही डायमंड कराने की आत्माएं, बाबा के साथ हैं, सब कुछ हमें बाबा द्वारा प्राप्त है। बाबा कहते हैं, सिर्फ तुमने एक बारी बाबा कह दिया तो भी तुम मेरे लाडले बच्चे हो गए, अब मुझे तो प्यारे हो गए क्योंकि भगवान को जान लिया। भगवान का किसी बड़े राजा का कोई नजदीक में भी आ जाए तो वो उसका पेट भरा रहता है, और आपको तो भगवान बच्चे बना रहा है, कोई दास दासी नहीं बना रहा है। इस वास्ते आपकी तो नजर गंजाइश रखोगे, जैसे किसी फर्श के अंदर खड्डे होंगे तो वहां पहले पानी भरेगा फिर आगे जाएगा, ऐसे ही आपका ज्ञान ध्यान आपकी सेवा उसमें पहले वेस्ट होगी। इसीलिए सेवाधारी सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्या, जैसे आजकल की दुनिया में किसी की नौकरी लग जाए तो क्या कहते हैं, बड़ी सौभाग्य है, हैं? आज नौकरी लगी है, पता आपको, कोई लड्डू बांटता फिरता है, कुछ आज लड्डू क्यों बांट रहे हो, कि बड़ी खुशी से कहते हैं आज ना नौकरी नहीं कहते, सर्विस लग गई है। जैसे कृष्ण को काला नहीं कहते, सांवरा कहते हैं ना, आज इसकी सर्विस लग गई। सीधा कहे नौकर बन गया तो बुरा लगता है, लेकिन है तो नौकरी। फिर भी कितने खुश हैं, क्योंकि सोचते हैं इतने लोगों की आजकल नौकरी ही नहीं है, ये तो कलयुगी नौकरी है, और हम लोगों की कौन सी है, कौन सी सर्विस है, क्या टाइटल है हमारा, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। और हमारा तो बाप टीचर गुरु तीनों कहते हैं हम ही ओबीडियंट सर्वेंट है। दुनिया में आपने कभी सुना किसी का बाप टीचर गुरु इतना निर्माण हो, जो कहे कि हम ओबीडियंट सर्वेंट है,
टीचर कहेगा दक्षिणा लाओ, मेरे पैर छुओ, बाप कहेगा ए नलायक तुमने मेरे को नमस्ते नहीं किया, और गुरु का तो कहना ही क्या है। लेकिन ये इतना निर्माण है, उसके हम बच्चे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, अकड़ दिखानी चाहिए? नहीं। इस वास्ते बाबा कहता है कि सर्विस, सेवा, ये सबसे बड़ी हमारी भाग्य है कि हमें सेवा का मौका मिला। सेवा का चांस मिलना भी बहुत बड़े चांसलर बनना है। अब वो सेवा करते हैं, खुशी तो होती है, ले और भगवान के घर में सेवा करते हैं। जितने बड़े सेठ का नौकर होगा उतना उसको ज्यादा पे मिलता है। सबसे बड़ी ईश्वर के घर में तो उंगली भी लगा दोगे, आपका कितना भाग्य बन जाएगा। माल बाबा का, आटा बाबा का, आग बाबा की, आपने सिर्फ रोटी बना दी बस ना। माल तो दूसरे का, सेठ का है, उसमें भी आपकी इतनी कमाई हो जाए। पानी बाबा के नल का, आपने बाल्टी भर के किसी के कमरे में रख दी। आप एक बाल्टी पानी जब भूचाल आता है तो कहते 100 रुपए में बिकी, 1000 रुपए में, कहते बहुत महंगी। और हमारी एक बाल्टी की कितनी कमाई है, जो बाल्टी लेके जाता है उसको तो पद्मों की कमाई हो जाती है किस जन्म के लिए। तो हम तो ऐसे गॉडली सर्वेंट है, तो हमें कितनी खुशी है बाबा ने सेवा का मौका दिया। फिर वो खुशी गायब क्यों हो जाती है? कोई हमारी जेब काट लेता है, आपको बहुत बड़ा कोई स्प्रे दे दे जेब में भर दे, रास्ते में कोई चोर काट ले, पता भी नहीं लगे आपको, तो फिर घर जाके तो खाली रहेगा ना, वो कौन काटता है? तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी सेवा होती है, इसमें बाबा ने एक शब्द दिया हुआ है, उस शब्द को यूज करोगे तो आपकी सेवा का नशा खुशी रहेगी। और उसमें आपको कुछ मान शान मांगने की जरूरत नहीं, जो चाहता है उसके पास कुछ खाली है, अगर भरा हुआ होगा उसके पास जरूरत नहीं रहेगी। वो क्या है? निमित्त। निमित्त एक सिंपल शब्द है, निमित्त है ना। तो निमित्त शब्द क्या है कि निमित्त समझ के आप करेंगे तो आपका चांस बढ़ता रहेगा। आपने सेवाधारी देखे होंगे, कई तो कहेंगे अच्छा आज दूसरा गया है तुम इसका काम ले लो, कहेंगे हाँ उसको पता है मेरी और सेवा हो जाएगी। कई पहले फिक्र में पड़ेंगे मेरा साथी जा रहा है इसका काम कहीं मुझे ना दे दें, गायब हो जाओ है? तो वो क्या किया, उसको मालूम भी नहीं सेवा का क्या लाभ है, वो अपनी सेवा का भी उसको खुशी नहीं होगी। इस वास्ते ये जरूरी है कि हर दुनिया में भी ऐसा ही है, ज्ञान में भी ऐसा ही है, अगर आपके अंदर कोई विशेषता है, बाबा कहता है ब्राह्मणों में एक विशेषता जरूर होती है, उस विशेषता के नीचे आपकी कई कमियां छिप सकती है। तो आप देखिए कि किसी की व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होगी तो उसकी 10 कमियां छिप जाती हैं। दुनिया में भी पैसे वाले होते हैं, कई उल्टे काम कर देते हैं उसके छिप जाते हैं, कहते भी पैसे वाला है छोड़ दो। कोई बहुत पहलवान होता है उससे भी लोग डरते मारे उसकी कई गलतियां छोड़ देते हैं कि ये करेंगे तो मार खाएंगे भय से। इसी प्रकार से ब्राह्मणों में भी किसी में कोई विशेषता है तो उसकी 2-4 कमियां खुद अगर ध्यान ना रखे तो छिप जाएंगे और छोड़ देंगे उसको। लेकिन जब हम अपने अच्छे काम कर्म का फल चाहते हैं, हम कहते हैं ना मैंने ये किया इसका मुझे फल मिलना चाहिए, उसी के साथ साथ अगर हमने कुछ वेस्ट किया या अच्छा नहीं किया उसका नुकसान भी तो हमें भुगतना के लिए तैयार रहना चाहिए ना। हम ये चाहते हैं अच्छे का तो मिल जाए और जो बाकी है ना उसको छोड़ दिया जाए। तो कर्म गति ये तो कहती नहीं, कर्म गति कहती है अगर 1 सेकंड में आप पदम कमा सकते हैं तो 1 सेकंड मिस करने में गवा कितना सकते हैं। तो हम कमाई तो गिन लें कि सुबह से शाम तक हमने 100 पदम कमाए, बहुत अच्छा किया, अच्छा 100 सेकंड यूज किए और बाकी गवाए कितने। तो अगर रोज हम गवाते जाएंगे तो उसका कारण यही होता है कि हम निमित्त ना मान के फिर उसी विनाशी चीज को जिसको मान शान कहते हैं या अपने विशेषता का नशा कहते हैं। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में होशियार होता है उसको खूब खुशी से पढ़ेगा, और जो सब्जेक्ट में वीक होता है उसको उसकी किताब देंगे ना तो उसको उबासी आनी शुरू हो जाएगी, हैं, थक जाएगा, फिर कर लूंगा, आलस आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही है। तो जबकि हमने निमित रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे मेरी विशेषता है, फिर क्या होगा
हे बाबा आपका शुक्रिया, आपने गीत भी बने हुए हैं, आपने मुझे क्या से क्या करके दिखा दिया, हम तो ये चाहते थे आपने ये कर दिया। कहते हैं ना गीत गाता है, लेकिन ये गीत रिकॉर्ड तक नहीं है, ये आपके अंदर से बोलना चाहिए कि हे बाबा हमारी मामूली सी विशेषता को आपने इतने बड़े कार्य में लगा दिया। और उस निमित्त है, अगर जब तक आप निमित्त रहेंगे आपकी विशेषता बढ़ती जाएगी, उसका कार्य बढ़ता जाएगा। जिस वक्त आपने ये सोचा अब वाह मेरी विशेषता, तो वही स्टॉप हो जाएगा, चढ़ती कला खत्म। वैसे तो मशहूर है कि शिव जो वरदान देता वापस नहीं लेता, वो कहते हाँ चढ़ती कला खत्म हो गई, मेरे में नशा भी आ गया, फिर भी मेरी विशेषता तो कायम है। वो इसलिए कि शिव जो वरदान देते हैं वापस नहीं लेते, एक तो उसकी वृद्धि खत्म हो जाती है, दूसरे वो वरदान धीरे धीरे और कमियों के कारण से छिप जाता है। जैसे किसी चीज को ग्रहण लग जाए, किसी कपड़े को दाग लग जाए, किसी के गुण के अंदर मिक्सचर हो जाए, दूध के अंदर हल्दी मिल जाए या कोई सब्जी मिल जाए, फिर वो गड़बड़ होती है, फिर खुशी बिल्कुल गायब। ना तो उसको कोई दूध कहता है, ना उसको कोई सब्जी कहता है, इसको कहते त्रिशंकु, है ना, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना माया मिली ना राम मिला, फिर उनकी विचित्र स्थिति हो जाती है। हैं तो बीके, कहते हम तो बीके हैं, लेकिन और सब साधन ऊपर से हंसते भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। बाबा ने कहा हुआ एक खोखली हंसी होती है और वो ऊपर ऊपर से होती है, दिल उनका रोता है, ऊपर से वो खुश होते हैं। क्यों? ये उनको क्या करें बेचारे, किसी को जाहिर भी नहीं कर सकते कि हम उदास हैं, अंदर से ऐसा है। वो मान शान इधर उधर की, जैसे कोई लंगड़ा आदमी नकली टांग लगा के चलता है, बिना बाजू वाला लकड़ी का बाजू लगाता है, ऐसे साधन सुधन इकट्ठे करके, जैसे रावण इतना लंबा 10 रस्सियों से बांधा जाता है, उसके आधार से वो खड़े रहते हैं। इस वास्ते बाबा कहता है ये कोई ब्राह्मण जीवन थोड़ी है। इसलिए हमें निमित्त 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 में क्या होगा कि ना तो आपको कोई चीज असफल हो गई उसका कोई शौक आएगा, ना कोई सफल हो गई उसमें आपकी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे, तो बीच का रास्ता रहेगा। निमित्त मैंने नेकी कर कहाँ डाल, कहते ना दरिया में डाल, यहाँ दरिया नहीं चलो लेक में ही डाल दो, लेकिन आप अपनी जेब में नेकी रख लो या सोचो स्टेट बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं नेकी का, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो लिमिट में आ जाता। इस वास्ते हमें विनाशी और अविनाशी, अगर हम दो शब्द याद रखते हैं तो विनाशी में विनाशी खुशी है सही, ऐसे नहीं है, और अविनाशी में अविनाशी खुशी है। आपकी मर्जी है कि आप विनाशी, मैंने ये मेरी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए, ये ड्रेस शरीर ही विनाशी है तो ड्रेस क्या होगी। अच्छा, ओम शांति।